हेलो एवरी माइनमारे एंड वेलकम बैक टू एंड द के स्टडी विद मी इट इज़ दिसंबर नाउ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इज ऑलमोस्ट ओवर एंड होप फुली तुम्हें से कुछ लोग को थर्ड दिसंबर को स्वेटर्स मिले होंगे बट बिफोर डाइविंग इन टू टू डेज केस आई वो न टेल यू अबाउट माई न्यू सॉन्ग द केमॉट जिसका नाम है लेसन अगेन तुम्हें से शायद से कुछ लोग ये चीज़ नहीं पता होगी बट मैं गाने भी गाता हूँ एंड मेरा नया गाना जो है इट्स अबाउट लव इट्स अबाउट लूजिंग योर मेमोरी ट्राइंग टू गेट बैक टू य पार्टनर जिनकी मेमोरी लॉस हो गई है एंड जस्ट स्ट्रगल Of this whole fiesta. It is out on every single platform, but I know this thing kit. Spotify pay on toho, even though Spotify is kinda poopy right now. But still, here is a snippet of my song.

सॉन्ग ओनली इफ यूर चिल सॉन्ग्स एंड ओनली इफ यू वॉन्ट टू लिसन टू इट कोई ऐसा हंडफ़ूल नहीं है कि तुम्हें सुनना ही पड़ेगा मेरा ठीक है बट विद डेट ऑल द वे लेट स्टार्ट विद टू डेज केस आजकल क्राइम्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि यू हैव टू बी अलर्ट एट एवरी सिंगल पॉइंट इन योर लाइफ स्पेशली लड़कियों को जब लड़कियां बाहर जाती है यू नीड टू बयरफुल इस फैक्ट को डिनाई नहीं करा जा सकता है लड़कों के कंपेरिजन में लड़कियाँ आर नॉट सेफ स्पेशली एट नाइट और इसी चीज की वजह से कई बार लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए परिवार वाले अपने बच्चों

ट्वेल्थ नवंबर 2023 की सुबह थी उस दिन दिवाली था और उस दिन संडे भी था एंड मोस्टली इंडिया में सभी परिवार का सुबह उस दिन रिलैक्सड और काफ़ी ज़्यादा स्लो जा रहा था और इनमें से एक परिवार था नूर मोहम्मद का भी नूर मोहम्मद की फैमिली नेजारू उडुपी कर्नाटका में रहते थे फैमिली के हेड नूर मोहम्मद बहुत ही मेहनती इंसान थे वो अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ और खुशियाँ प्रोवाइड करना चाहते थे जिसकी वजह से वो बहुत ही मेहनत से सऊदी अरेबिया में काम करते थे अपने परिवार से दूर रहना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था लेकिन बच्चों की कोई भी मांग अधूरी ना रह जाए इसकी वजह से उन्हें वहां रहना पड़ता था अपने पापा की तरह उनका बेटा असद भी बहुत हार्ड वर्किंग था अपने पापा के साथ घर की में, संभालती थी नूर को काम से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती थी इसलिए उन्हें घर में आने के लिए हॉलीडेज भी इतने ज्यादा नहीं मिलते थे और अपने हस्बैंड के घर में ना होने की वजह से हसीना को काफी लोनली फील होता था हसीना को अकेला फील ना हो इसलिए नूर की माता जी यानी हसीना की सास हजीरा भी उनके साथ ही रहती थी असद के अलावा उनके तीन और बच्चे थे घर का सबसे छोटा बेटा असीम 12 साल का था उसके स्कूल में दिवाली की छुट्टियां चल रही थी इसीलिए वो पूरा दिन खेलने में ही बिजी रहता था उनकी दो बेटियां भी थी अफनान और एनास जो कि 23 और 21 साल की थी रिस्पेक्टिवली दोनों बेटियां ही बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड और पैशनेट थी ये दोनों ही इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे और अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहते थे और ये दोनों अपने परिवार से थोड़ा दूर मैंगलोर में पीजी में रहते थे तो यहाँ रहते हुए अफनान अपनी डिग्री कम्पलीट कर रही थी और उसकी बहन एनाज इंडियन एक्सप्रेस में अपनी एयर हॉर्सेस की ट्रेनिंग कम्पलीट कर रही थी से इस परिवार के सारे बच्चे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे देवर ग्राउंडेड एंड देवर डेडिकेटेड उन सभी को तीनों बच्चों को अपनी लाइफ के गोल्स

उनकी दादी हजीरा भी पलंग में बैठी हुई थी आराम कर रही थी अफनान और एनास थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट के लिए उठे और असीम घर का सबसे छोटा बच्चा घर के बाहर साइकिल चला रहा था सभी लोग अपने काम में बिजी थे या फिर अपनी मम्मी का हाथ बटा रहे थे बातें कर रहे थे मस्ती मजाक कर रहे थे तो ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हुए नौ बज चुके थे और जो असीम था वो भी बाहर पे साइकिल चलाने में बिजी था तभी उसके पास एक आदमी गुजरा जिसने सीधा उनके घर में एंट्री करी उस आदमी ने ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और उसने अपने फेस पे मास्क लगा रखा था जिसकी वजह से वो पहचान में नहीं आ रहा था उस समय सिर्फ उसका सर और आंखें दिख रही थी सो उस आदमी को देखने के बाद असीम ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और वो वापस बिजी हो गया साइकिल चलाने में। पर इस मास्क मैन ने घर में एंटर करते ही एनास को देखा उसने एनास से 15-20 सेकंड तक कुछ बात करी और फिर देखते ही देखते उसने एनास पे चाकू से वार करा आवाज सुनके हसीना और अफनान कमरे से बाहर आए अपने लिविंग रूम में और उन्होंने इस आदमी को रोकने की कोशिश करी ये आदमी बहुत स्ट्रांग था और वो पक्का इरादा करके आया था उसके अंदर का गुस्सा अफनान और हसीना दोनों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग था उस आदमी ने अफनान और हसीना पर भी चाकू से हमला किया करीब आठ से दस बार जब इतना भयंकर हमला हो रहा हो किसी पर भी तो उसकी चीखें भी दर्दनाक ही होती हैं अपने घर से इतनी जोर की चीखें सुनाई देने पर असीम भाग कर घर के अंदर आया ये देखने के लिए कि आखिर अंदर हो क्या रहा है लेकिन जैसे ही वो अंदर आया उस मास्ट मैन ने उसे भी नहीं छोड़ा एक बारह साल के बच्चे को भी उस क्रिमिनल ने बेरहमी से चाकू से मार डाला और वो यहाँ पर नहीं रुका घर की सबसे बुज़ुर्ग मेंबर हजीरा जी पर भी उसने हमला किया लेकिन हजीरा बचते बचते वहाँ से भाग गई और उन्होंने अपने आप को घर के बाथरूम में लॉक कर दिया तो हज़ीरा जी जब बाथरूम में बंद थी आई डोंट नोट वट हैपन क्रिमिनल बट ही मस्ट हैव थॉट कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई उन पर भी चाकू लग गया था तो मे बी बुजुर्ग हैं ये एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी तो वो वहां पे अंदर ही मर सो दैट्स ही लेफ्ट हर एंड ही वेंट बैक टू द लिविंग रूम वो वापस लिविंग रूम में जिसे मारने के इरादे से आया उसे एक लास्ट बार देखा एंड ही दैट शी डाइड वो वहां से भाग गया जैसे ही वो घर से बाहर भाग रहा था उसे घर के गेट पर एक औरत दिखी एंड नाउ ही न्यू कि क्योंकि इस औरत ने इस आदमी का गेटअप देख लिया उसके बाल देख लिया उसकी आंखें देख ली है तो ये किसी ना किसी को या तो पुलिस को तो बता ही देगी कि इस घर में हुआ क्या है तो उसने इस औरत को धमकाया कि अगर तूने किसी को भी कुछ भी बोला तो आई विल फाइंड यू एंड आई विल किल यू और विले सब कुछ बोलने के बाद आदमी उस घर से बहुत दूर भाग गया जब भी हम लोग किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमें हर एक सेकेंड एक घंटे जैसा लगता है और जब मैं इस केस के बारे में रिसर्च कर रहा था स्पेसिफिकली जब मैं इस क्राइम के बारे में पढ़ रहा था कि यह कैसे हुआ था तो मुझे लगा ये चीज कि कम से कम बिकॉज देर आर सो मेनी फैमिली मेंबर्स राइट सो मुझे लगा कि कम से कम तीस से चालीस मिनट तो लगे होंगे उसे ये पूरी चीज करने को उसने सिर्फ 15 में मारा और वहां से भाग गया 15 में ही एक घर के अंदर घुसा और उसने चार की जान ले ली और हंसता खेलता परिवार अब खत्म हो चुका था लेकिन ये आदमी था कौन और भला इसकी नूर मोहम्मद की फैमिली से क्या दुश्मनी थी this, पुलिस वॉज कॉल्ड जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कहां से करे उनके सामने चार लोगों की लाशें थी और ना ही क्रिमिनल का कुछ पता था और ना ही उसका मोटिव क्लियर था एक सीधे-सादे परिवार से और तो और एक 12 साल के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है पुलिस घर की तलाशी कर रही थी तब उन्हें बाथरूम लॉक मिला उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन अंदर हजीरा जी इतनी डरी हुई थी कि पुलिस के बार-बार यह कहने पर भी कि वो एक्चुअल में पुलिस है और उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं वो दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं थी यू कॉन्ट फील दिस थिंग बट आई थिंक इवन यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई होंगी कि वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी उस समय और तो और ये क्राइम कितना ग्रूसम होगा उनके आंखों के सामने क्या हुआ होगा कि वो बाथरूम का दरवाजा खोलने तक की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी लेकिन जैसे तैसे करके पुलिस वालों ने हजीरा जी को बाथरूम से बाहर निकाला और उन्हें सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन क्राइम सीन देखने पर फिर भी सवाल ये था कि आखिर वो आदमी था कौन जिसकी इस परिवार से दुश्मनी थी पुलिस ने पहले तो पूरे घर की तलाशी ली ये के लिए की सारी चीजें अपनी जगह पे तो हैं ये आदमी कहीं चोरी के इरादे से तो नहीं आया था लेकिन ये क्राइम हुआ था सुबह इन लाइक डे लाइट एंड घर की जितनी भी कीमती चीजें थी कैश या फिर जेवर हो गए वो सब के सब अभी भी घर में ही थे ना ही घर में कोई चीज गायब हुई थी और क्राइम सीन देखे ऐसा लग रहा था दैट दिस गाय ओनली वेंट टू फ्यू रूम तो पुलिस वालों ने सीधा सोचा पहले चीज की घर में जो सीसीटीवी कैमरा होगा विल लुक थ्रू दैट थिंग पर घर में कोई भी सीसीटीवी कैमरा या फिर कोई भी ऐसा रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं था पर पुलिस की गाड़ी देख के पे क्या हुआ? क्योंकि ये में कभी ऐसा कोई नहीं पूरे कर्नाटका में इस क्राइम की बात फैल चुकी थी पुलिस इन फैमिली मेंबर्स के इन चारों फैमिली में बैकग्राउंड चेक कर ही रही थी टू तो फाइंड सम क्लू पर तभी उनके पास एक रिक्शा वाला आया जिसने पुलिस को एक बहुत ही ज्यादा क्रूशल लीड दी शाम एक रिक्शा ड्राइवर था और रोज की तरह ट्वेल्थ नवंबर की सुबह भी वो सांथे काटे ऑटो स्टैंड पर सवारी का इंतजार कर रहा था जब एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके रिक्शा में बैठा और उसने शाम को तृप्ति ले आउट ले जाने के लिए कहा शाम ने उस आदमी को नूर मोहम्मद के घर से थोड़ा पास ही उतार दिया था इतना ही नहीं बल्कि शाम ने उस आदमी को पंद्रह मिनट बाद जब वो आदमी वहाँ से भाग चुका था उसके बाद वापस ऑटो स्टैंड के पास दूसरे रिक्शा में बैठते हुए देखा भी था जैसे ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली वो सीधा उस ऑटो स्टैंड के पास गए और वहाँ के सारे कैमराज चेक करने लग गए और उन्होंने फाइनली कैमरा फुटेज के थ्रू उनका सस्पेक्ट और इस घर का क्रिमिनल दिखा फुटेज के थ्रू जाने के साथ साथ वो लोग फैमिली के फोन भी टाइप कर रहे थे उनका बैकग्राउंड भी चेक कर रहे थे तो हसीना और अफनान का बैकग्राउंड और मोबाइल फोन चेक करने पर उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला लेकिन एनास, एनास के बारे में पूछताछ करने पर वो जहां काम करती थी वहां उसके कलीग से बात करने पर और उसका फोन चेक करने पर उन्हें एक आदमी पर शक होना स्टार्ट हो गया था और को इंसिडेंटली ये शख्स 12 नवंबर से काम पर आया ही नहीं था पुलिस उस आदमी के घर गई बट वो वहां भी नहीं था और उसका फोन भी स्विच ऑफ था जिसकी वजह से इस आदमी की लोकेशन का पता नहीं चल रहा था बट अगेन ये आदमी आखिर था कौन प्रवीण अरुण चौगले सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला था अगेन आई अपोलोजाइज फॉर प्रोनाउंसिंग प्रवीण फिजिकली बहुत स्ट्रांग था उसका नेचर हमेशा से थोड़ा कंपेटेटिव रहा था 2007 में प्रवीण को पुणे पुलिस में नौकरी मिल गई थी वो पुलिस ट्रेनिंग में भी हमेशा सबसे आगे रहने का ट्राई करता लेकिन तीन महीने बाद ही उसने नौकरी छोड़ दी और बेटर सैलरी के लिए उसने एयर इंडिया एक्सप्रेस में एज अ कैबिन क्रू जॉब एक्सेप्ट कर ली थी बेंगलुरु शिफ्ट होते ही प्रवीण की जैसे किस्मत ही बदल गई थी उसकी नौकरी अच्छी चल रही थी जिससे उसे बहुत पैसे भी मिल रहे थे और उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो रही थी अब सो सींग दिस थिंग कि ही वॉज स्टेबल फाइनेंशियली ऑल्सो एंड जॉब वाइज ऑल्सो उसने ये सोचा कि मैं अब शादी कर लेता हूँ तो लाइफ में सेटल होने के बाद उसने शादी कर ली और उसके दो बच्चे भी थे शादी करने के बाद बच्चे करने के बाद उसने अगेन अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दो तीन फ्लैट्स भी खरीदे थे एंड रिसेंटली ही बॉट अ न्यू कार ऑलसो आम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग बिकॉज तुम्हारे दिमाग में इमेज होनी चाहिए थी दैट ही वॉज अ फैमिली मैन एंड ही वॉज इन्वेस्टिंग हिज मनी इन प्रॉपर बिजनेस उसे सात आठ साल हो गए थे इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी करते हुए तो आठ साल से बंदा नौकरी कर रहा है उसकी फैमिली उसके बच्चे हैं उसके पास फ्लैट उसके पास गाड़ी है बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में सब कुछ सेट है बट दैट वॉज नॉट द केस प्रवीण को एक बहुत ज्यादा सिवियर बीमारी थी जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक आदमी को है और ये बीमारी थी शक की प्रवीण को कभी भी किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं होता था और तो और अगर उसे कोई आदमी पसंद आता तो वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाता था ये जो कॉम्बिनेशन है पोजेसिवनेस और शक का ये अगर ओवरबोर्ड हो जाए तो इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव दिस ओवर पोजेसिवनेस कैन लीड टू बींग कंट्रोली एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू बी चैलस और प्रवीण तो इतना बड़ा शकी था कि वो अपनी खुद की बीवी पर भी ट्रस्ट नहीं करता था वो अपनी बीवी को कहीं बाहर नहीं जान देता था किसी से बात नहीं करने देता था यहाँ तक कि उसकी बीवी अकेले सब्जी लेने भी नहीं जाती थी और अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती थी जहाँ पे उसकी बीवी का बाहर जाना इंपॉर्टेंट था तो वो हमेशा अपनी बीवी पर शक करता था अगर उसकी वाइफ से कोई गलती हो जाती थी घर में तो अपनी वाइफ को मारता था तो बंद दरवाजे के पीछे प्रवीण की सच्चाई ये थी लेकिन सबके सामने ही वॉज अ वेरी हेल्प मैन ही वॉज अ वेरी थाटफुल गाय अब हुआ क्या कि प्रवीण एयर इंडिया एक्सप्रेस में काम कर रहा था और जब अचानक से एनाज ने वहाँ ज्वाइन करा एज ए एयर हॉस्ट्रेस तो उसे वो एकदम से पसंद आ गई थी वो वैसे तो एनाज का सीनियर था लेकिन वो हमेशा एनाज को वो कभी भी उसको हेल्प करने के कोई भी मौका नहीं छोड़ता था चाहे वो चीज़ वर्क रिलेटेड हो या फिर वो काम से बाहर के वो हमेशा ऐसा ट्राई करता कि वह एनाज के पास रहे उसने एनाज की हेल्प की थी बेंगलुरु में एक घर ढूंढने के लिए जहाँ एनास अपनी बहन अफनान के साथ रहती थी प्रवीण ने एनास को अपनी टू व्हीलर भी दी थी ताकि उसको सिटी में ट्रैवलिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो सात आठ महीने हो गए थे एनास और प्रवीण को साथ काम करते हुए और वो लोग एक तरीके से फ्रेंडली भी हो चुके थे एनास प्रवीण को एज अ सीनियर और मैंटोर की तरह देखती थी जो कि उसकी हेल्प कर रहे थे बस बिकॉज शी वॉज न्यू हेयर वो प्रवीण की रिस्पेक्ट करती थी और जैसे वो अपने दूसरे कोलिग्स को फ्रेंड मानती थी वैसे ही वो प्रवीण को भी अपना दोस्त मानती थी लेकिन धीरे धीरे प्रवीण एनास को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो रहा था जो चीज एनास को पसंद नहीं है किसी से बात नहीं करने देता था और जब वो किसी और कलीग से या फिर किसी और लड़के से बात करती थी क्रू में भी तो प्रवीण बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था और ये सब कुछ हो रहा था पिछले एक दो महीने से अगर आप कहीं काम कर रहे हो और आपका सीनियर आपका मेंटोर जो आपसे बीस साल बड़ा हो आपके ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करे आपके हर एक एक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करें आप किससे बात करते हो आप किसे देख के स्माइल करते हो आप कहाँ जाते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आप भी थोड़ा बहुत क्रेप्ड आउट हो ही जाओगे इनफैक्ट अगर ये चीज़ तुम्हारा दोस्त भी करेगा तब भी तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा ही लेकिन क्योंकि क्यों वो दोनों एक ही जगह में एक ही एयरलाइन में काम करते थे सो इट वॉज़ इम्पॉसिबल टू अवॉइड ईच अदर इसीलिए द नेक्स्ट बेस्ट थिंग वॉज टू अवॉइड कम्युनिकेशन जो कि होगा उस आदमी से बात ना करना उसे देखने पर हाई हेलो ना बोलना और उसका नंबर ब्लॉक कर देना और यही सेम चीज़ यही सेम एग्जैक्ट चीज एनाज ने भी करी उसने प्रवीण का नंबर ब्लॉक किया उसे लगा शायद अब प्रवीण उसे परेशान नहीं करेगा अब शायद उसे समझ आ जाएगा कि एनाज को कंफर्टेबल नहीं लगता है उसके साथ और वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा शायद प्रवीण को समझ आ जाएगा हाउ ही मेक्स हर फील लेकिन एनास को ये नहीं पता था कि ऐसा करने पर वो अपनी जान खो बैठेगी जब प्रवीण को पता चला कि एनाज ने उसे ब्लॉक कर दिया उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है उसका दिमाग खराब हो गया जिस एनाज से वो प्यार करता था जिसके लिए वो इतना पॉजिटिव था अब उसे उस एनाज से नफ़रत होने लगी थी और वो अब बदला लेना चाहता था उसे पता था कि एनाज कहाँ रहती है ओडीपी में एन उसे यह भी पता था कि दिवाली की छुट्टी में वो घर पक्का जाएगी तो ट्वेल्थ नवम्बर को वो अपने घर से पूरी प्लानिंग करके लिखना था कि कैसे वो एनाज के घर पहुंचेगा ताकि वो पकड़ा ना जाए उसने अपने घर से एक किचन नाइफ़ ली एक एक्स्ट्रा कपड़े भी रखे और अपनी गाड़ी में बैठ वो निकल गया एनास के घर के घर लिए गए रोड के पहले आने वाले टोल बूथ के थोड़ा दूर उसने अपनी गाड़ी पार्क की टोल बूथ के पास से उसने एक बाइक वाले से लिफ्ट ली ऑटो स्टैंड तक पहुंचने के लिए और फिर ऑटो स्टैंड से वो वहां शाम के ऑटो में बैठ के तिरुपति लेआउट पहुंचा आप सोच रहे होंगे कि प्रवीण को एनास के घर का एड्रेस कहां से मिला वेल well, प्रवीण ने स्नैपचैट के लोकेशन फीचर से एनास के घर का पता लगाया यस आई नो दिस इज सो सो क्रीपी बट ही एक्चुअली डिड दैट थिंग उस ऐप का एक फीचर जिसके बारे में हम अक्सर इतना ध्यान नहीं देते हैं प्रवीण ने उस फीचर का मिस यूज़ करा और उसने वहाँ से ही एनास के स्नैप से ही उसकी लोकेशन ट्रैक करी तिरुपति लेआउट पहुँचने के बाद उसने घर के गेट से एंटर करा और वो असीम के पास से गुजरा प्रवीण घर के अंदर आया और जैसे ही एनास को उसने देखा उसने पहले उससे पूछा कि आखिर उसने उसका नंबर ब्लॉक क्यों करा और इससे पहले कि एनास कुछ बोल पाती प्रवीण ने उस पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसने हसीना अफनान एनास और असीम को मार डाला और वो वहां से भाग गया घर से भागने के बाद उसने दोबारा एक बाइक वाले से लिफ्ट ली और वहां से वो ऑटो रिक्शा स्टैंड तक पहुंचा जिसके बाद वो ऑटो रिक्शा स्टैंड से वापस अपनी गाड़ी के पास गया और फिर वहां से भाग गया और गाड़ी में बैठने के बाद ही सो स्मार्ट गाड़ी में बैठने के बाद उसने अपने कपड़े चेंज करे ताकि कि किसी को भी पता न चले कि ये सेम कपड़े वाला आदमी यहाँ से आया था या फिर इधर जा रहा था घर जाने के बाद उसने सबसे पहले अपने घर का चाकू धोया और उसे वापस किचन में रखा फिर घर पहुंचने के बाद उसने अपने परिवार से अपनी बीवी बच्चों से कहा कि हम दीवार मनाने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और फिर अपने परिवार को लेके वो अपने अंकल के घर बेलगांव चले गया अब उसने अपना फोन बंद कर रखा था पुलिस बस उसके फोन को ऑन होने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही फोर्टीन को प्रवीण ने अपना फोन ऑन किया पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे पकड़ लिया पकड़े जाने के सीधा बाद प्रवीण ने डर में आके अपना क्राइम कन्फेस्ट कर दिया पुलिस को उसी के घर से क्राइम का वेपन भी मिला और खून वाले कपड़े भी जो उसने क्राइम के वक्त पहने हुए थे और उन कपड़ों के बगल में ही उसने अपना मास्क भी रखा था पुलिस के पास सारे सबूत हैं और दिसंबर की पाँच तारीख तक प्रवीण पुलिस कस्टडी में रहने वाला है जिसके बाद ऑब्वियसली उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी क्योंकि जिस तरीके से उसने ये क्राइम कमिट करा है जिस इंटेंसिटी से उसने इन लोगों को मारा है आई थिंक उसे लाइफ एम्प्रिजमेंट ही मिलेगी ये केस एक्चुअली आग की तरफ पूरे देश में फैल गया था आई एम ब्रिटिश श्योर यू हैव हर्ड अबाउट इट जिसकी वजह से पुलिस पर प्रेशर बना है एंड दैट्स दे कॉट विद इन आवर्स यू मस्ट वंडरिंग कि जब प्रवीण उसे पहले से ही हरास कर रहा था दिस इज हरासमेंट ओनली ठीक है तो आई एम ब्रिटिश श्योर यू वंडरिंग कि जब वो उसे पहले से हरास कर रहा था तो उसने अपने भाई बहन से या अपने पेरेंट्स से कुछ बोला क्यों नहीं अगर उसने अपनी फैमिली को पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो मे भी उसकी फैमिली कुछ प्रिकॉशन लेती एंड आज वो लोग बच्चे होते लेकिन शायद अनाज ने सोचा होगा कि नंबर ब्लॉक करने के बाद प्रवीण उसे तंग नहीं करेगा और उसे एहसास हो जाएगा कि वो क्या कर रहा है और वन थिंग इज फॉर श्योर कि उसने ये इमेजिन नहीं करा होगा कि प्रवीण इतना एक्सट्रीम हो सकता है अपने actions में बिकॉज हम लोग कभी भी किसी भी इंसान का बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एंड आई जस्ट से दिस थिंग कि अगर आप लोग भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके स्कूल में आपके कॉलेज में आपके ऑफिस में या फिर आपके घर के आसपास भी कोई आपको हरास कर रहा है बहुत ज्यादा ओवर पोजिसव है तो या तो अपने घर वालों को बताइए आप या फिर कम से कम पुलिस में जाके कंप्लेन करिए बिकॉज यू नेवर नो दिस थिंग कि कौन सी सिचुएशन कहाँ चले जाएगी रिमेंबर मोहम्मद वाला केस राइट right? वो सिर्फ जलीसी की वजह से कहाँ पहुँच गया था वो केस राइट एंड पेरेंट्स को भी ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ कर्फ्यू लगाने से अपने बच्चों से थोड़ा स्ट्रिक्टली बात करने से दे वोंट बी सेफ यू नीड टू बी देर फ्रेंड एंड यू नीड टू आस्क अबाउट दियर लाइफ एंड यू नीड टू मेक योर केट्स फील कंफर्टेबल सो दट दे विल टेल यू अबाउट दियर लाइफ बट विद दैट ये केस अभी के लिए यहीं पर समाप्त होता है बिफोर यू गो ग आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट की प्लीज़ गो लिसन टू माई सॉन्ग आई वर्क टू वेरी हार्ड ऑन दिस एंड आल्सो वेयर अबाउट टू हे टू वन मिलियन आई थिंस जो बहुत ही ज़्यादा ओ जी व्यूवर्स हैं दे विल रिमेम्बर दिस थिंक आई यूज टू से सब्सक्राइब टू मे बिफोर आई हेट अ मिलियन बट इट्स सो क्लोज आई It's very unreal to me. I don't know why. I'm just a guy who's making program videos in his room. So one million is a very big number for me. But thank you so much. Itna pyar ke thank you so much for always watching me. I, like my recurring audience is so high and my retention time is so it's you guys won't <laughs> believe this thing because it's just numbers, but it's a very good thing i feel very blessed seriously so again thank you for everything that you did for me this year and with that i hope that you guys are happy i hope that you guys are healthy and safe please and please keep your loved ones very close to you please tell them about your life and i will see you next week bye bye